कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोपम तम जासुवचन रे करे प्रत काल स्मरण निवि श्रीमान संत सदगुरु के युगल पावन चक्रों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि अनंत देवी दुर्गा के चरणों में कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्र होकर के पधारे वे सभी सत्संग प्रेम प्रेमियों दुर्ग कवाच के नवरात्रि करने वाला भक्त जन सदा माता में बहनों की युगल पावन चरणों में कोटि प्रणाम। आज आइए हम लोग इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी का स्तुति किया। कौन क्या? इंद्र भगवान ने। महर्षि मेधा बोले कि देवी ने जब परक्रमी दुर्मात्मा महिषासुर के मार गिराया तो असुर की सेना को मार दिया, तब इंद्र के समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को छोड़कर ठुकरा कर भगवती स्तुति करने लगा। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत का व्याप्त किया, जो संपूर्ण देवता और महर्षि का पूजन नहीं किया और अंबिका से भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है, भोले दुर्गा मैया की जय। यानी जब माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार दिया तो इंद्र लोग ने प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? कि प्रभु मेरी शरणागत की रक्षा किया और मुझे बल और बुद्धि का भक्ति दिए। अंबिका ने भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए शिव कल्याण करा। अतुल भाव से बल का वर्णन भगवान विष्णु शंकर को ब्रह्मा जी ने भी। भगवान शंकर जो था उनको साथ देने लगा। ब्रह्मा जी ने चंडिका देवी का रूप धारण कर लिया। किसका धारण किया? चंडिका। इस संपूर्ण जगत का पालन करे, अशुभ भय नाश करे। पुण्य आत्मा के घरों को तुम स्वयं लक्ष्मी के रूप हो, पापियों के घरों में तुम लक्ष्मी रूप हो और सत्कुल उत्पन्न होने वाला तुम लाज रूप होकर घर में निवास करते हो। माँ देवी क्या है? पापी के घर में अलक्ष्मी है और जिसके घर में पूजा पाठ ध्यान पद्धति होगा तो उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी। रूप होकर घर निवास करते हैं, दुर्गा भगवती को नमस्कार है। एक बार बोली दुर्गा मैया की जय। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारी अचिंतन किसी प्रकार वर्ण करो। असुर की नाश करने वाला भारी परिक्रमा कीता समस्त देवताओं दैत्य के विषय में जो कुछ तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, किसी प्रकार का वर्णन। हे देवी, भगवान विष्णु शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारे पार नहीं पाया। तुम सर्व के आर्य हो, यह संपूर्ण जगत तुम्हारे अंश रूप है। क्या कहता है? कि ब्रह्मा विष्णु कोई तुझे पार नहीं कर पाया, शंकर भगवान भी तुम्हारे ही आर्य पद पर है। किसके पद पर है? आर्य पद, भोलेनाथ पर। सर की आस्य है, संपूर्ण जगत तुम्हारे अंश का रूप है। माँ दुर्गा जो है क्या है?
ये संपूर्ण अंशिका है। माँ देवी दुर्गा से तृप्त होता है, इसलिए तुम स्वाध्याय कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाला है, जो अचैतन्य महाज्ञानी स्वरूपा है, कि हे देवी, जो यह विद्या अचैतन्य देने वाला है। एक बार बोली श्री दुर्गा माता की जय। वह श्वास है, तुम पितर की तृप्ति करना शब्द तुमको स्वाद देते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाला है, जो चैतन्य महाज्ञानी स्वरूपा है, तत्वों को सारा वश में करने वाला, संपूर्ण दोष को दूर करने वाला, मोक्ष इच्छा वाला मुनिजन जिसकी अभ्यास करते हैं, और तुम हो, तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋतु का यजुर्वेद उद्गात सुंदर पद को पाठ करने वाला श्याम वेद आर्य रूप हो। मार्कंड क्या कहते हैं कि तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुम सब चीज के वेद को जानने वाला है। विश्व की उत्पत्ति का पालन तुम्हें वर्त होती है। हे देवी, जिसे सारे शास्त्रों को जाना, मैधा सत्य दुर्ग भव सागर से पार करने वाला नौका भी तुम ही हो। ये दुख की कष्ट से कौन पार कर सकता है, हम लोग को माँ दुर्गा ही। देवी, तुम मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र विमल श्यान है, उत्तम स्वर की मनोहर कांति कान तुम्हारे मुख देने वाले। महिषासुर के क्रोध को भर गया बड़े आसच की बात, देवी तुम्हारे मुख जब क्रोध से भरा गया तो उदय काल चंद्रमा की भांति लाल हो गया, तई भों के काल से विकराल रूप हो गया। जब महिषासुर को नहीं मार गया तो क्या हो गया, यो विकराल रूप आ गया। आम की कुपति मोक्ष से दर्शन करने से भला कौन जीत रह सकता है, कि आपका दर्शन जो कर लेता कुपट आदमी सब मर जाता है। सर्वनाश हो, हम अपने अभी अभी जानता, जब तुम महिषासुर को बहुत बड़ी सेना देखते हैं मार दिया। देवी, सदा अभ्युदय प्राप्त करने वाला हूं। प्रश्न उठाते, देश की शांति से धन यश की वृद्धि होती है, जहां शुद्धि विकार और शिष्टाचार होते हैं, यश धन की वृद्धि होती है। धर्म कभी शीतल नहीं होती है, अधिक पुत्र पुत्रियाएं नौकर होती हैं। देवी तुम्हारे कृपा ही धर्मात्मा पुरुष प्रत्येक दिन श्रद्धा पूर्वक के यज्ञ करता है, धर्म अनुकूल आचरण करता है, उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। अगर देवी की पूजा पाठ जो करता है तो धर्मानुकूल से इनको स्वर्ग की प्राप्ति मिलता है। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों का भय नष्ट कर देते हैं। स्थिर चीत से वाले द्वारा चिंतन करने से अत्यंत मंगल देते हैं। जो आपका भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, संपूर्ण दुखों को नष्ट कर देता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है, तुम्हारे चित सदा दूसरों का उपकार में लगे रहते हैं। हे देवी, तुम शत्रु को इसलिए मारते हैं, उनके मारने से दूसरे की सुख मिलता है।
क्या होती है, देवी किसको मारता है, संत को कि शत्रु को, शत्रु को, शत्रु को मारता है। बोली दुर्गा मैया की जय। चाहे नरक में जाने के लिए चिराकाल तक पाप करते रहे, किंतु तुम्हारे साथ योद्ध की सिद्धि स्वर्ग में जाएगा। जो तुम्हारे साथ पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, युद्ध करते हैं, सीधा कहा जाता है स्वर्ग पर। इसीलिए तुम उनका वध करते हैं। देवी, क्या तुम दृष्टिपात की मात्रा से समस्त असुर का भस्म नहीं कर सकते हैं? मार्कंड ऋषि कहते हैं कि क्या तुम अपनी त्रिनेत्र द्वारा उन राक्षस को नाश नहीं कर सकते हैं? अब जरा सोचिए, देवी दुर्गा चाहे तो तुरंत मार सकता था कि नहीं, लेकिन ये क्या करता है, नाश करने के लिए कहता है। तो एक बार बोले दुर्गा मैया की जय। दूसरों को सुख मिलता चाहे नरक जाने के लिए चिराकाल तक पाप करते, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध की सिद्धि स्वर्ग जाएगा। त्रिशूल की नौ की कांति किरण असुर की आंख फूट गए हैं। किरण के स्वभाव तुम्हारे चंद्रमा की समान आनंद प्रदान करने वाला सुंदर मुख को देख रहे हैं। देवी तुम्हारे यहाँ सुला दिए, कवच पाठ हो रहा है, बीमारी दूर हो जाए। नेपाल से आए ना? हाँ, सुला दीजिए, इबागर सुला दीजिए। त्रिशूल के नौका के कांति किरण असुर के आंख फूट गई हैं। उसका कारण यह है कि किरण एक सौभाग्यमान है, समान आनंद की प्रदान करने वाला सुंदर और मुख देख रहे हैं। देवी तुम्हारे शील पूरी वृत्तान को दूर करने वाला सबसे अधिक तुम्हारे रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकते हैं, ना जिसके दूसरे की कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारे बल पार कर्म शत्रु को नाश करते हैं। भोली दुर्गा मैया की जय। अब देखिए माँ देवी की, चाहे तो आग के त्रिचित खोलते खोलते कष्ट हो जाता सब। इसी तरह शत्रु पर दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल किसी के साथ बराबरी की जा सकती है। माँ देवी दुर्गा का शक्ति किसी के बराबरी नहीं हो सकता है, होगा? तो एक बार बोले दुर्गा मैया की जय। हृदय में कृपा युद्ध निष्ठा दोनों बात तीनों लोक में तुम्हें देखने आए हैं। हे माता, युद्ध भूमि और शत्रु को मारकर तुमने स्वर्ग लोक में पहुंचाया, तीनों लोक में तुमने रक्षा की उन्माद असुर से जो भय तुम दूर किया, तुम हमारे नमस्कार। हे देवी, क्या करता है, माँ दुर्गा जो है इतनी बलशाली है कि बाहर को नीचे, नीचे को ऊपर बना सकता है। बोले दुर्गा मैया की जय। हे देवी, तुम सूल और खड़क से हमारी रक्षा करो। माँ देवी के पास क्या नहीं है, त्रिशूल शत्रु है, ये रक्षा कर सकता है। हे चंडिका, आप अपनी सूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं से हमारी रक्षा करो। सूल माने त्रिशूल घुमा करके रक्षा कर सकते हैं। तीनों लोक में जो तुम्हारी सुम रूप है, घोर रूप है, हमारी रक्षा करो, पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिका, आपकी कर
कर पल्लों की खड़क सुल गदा शास्त्र शोभा पा रही है। उन्हें रक्षा करो। महर्षि बोले इस प्रकार, क्या कहते महर्षि कि मेरी रक्षा करो। जगत की माता भगवती स्तुति और नंदवन के पुष्प गंधन अनुलेपन उनकी पूजन किया सबसे मिलकर सुगंधित दिव्य धूपों को सुगंधित निवंदन देवी प्रश्न होकर कहा, हे देवताओं तुम सब मुझसे मन वंचित वर मांगो। देवताओं भगवती अपना सब कुछ कार्य कर दिया हम के लिए मांगने के लिए कहता है, क्योंकि तुमने महिषासुर को मार डाला है। एक बार बोले देवी दुर्गा माता की, शेर वाली मैया की। इधर से इधर बैठा कहां से? मझारे से निकला। आइए गुरु भाई, कहाँ जा रहे? बैठिए, पाठ भी खत्म। अगरबत्ती जोड़ देना तुम लोग, ठीक है? हे देवताओं तुम सब मन वंचित वर मांगो। देवता बोला, देवी ने प्रश्न हो गया सुला दी, उत्तर मुख से सुला दी, उत्तर मुख से, उत्तर मुख, हाँ पाठ पढ़ा लो दुर्गा। पैर हाथ धोकर तुम लोग अगरबत्ती जोड़ लीजिए, कुछ मांग लीजिए, है ना, 5 सुपारी चढ़ा दीजिए, अपना बीमारी का नाम, गांव का नाम, कौन जात से है उनको कह दीजिए, ठीक है? क्या क्या परेशानी है यहाँ पर सुना दीजिए, 5 सुपारी बाबा पान तो लिया कर नहीं लिए, पान दुकान मिले पैर हाथ धो लीजिए। असलान पानी क्या है? असलान कर लिया? हाँ हाँ ठीक। बाबा बाबा क्षमा, वो बीमारी असलान नहीं कर लगे। बीमारी का गप कहाँ कर रहे हैं? उसको गंगा जल छीट देंगे। हाँ 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 बोले दुर्गा मैया की जय। तुमने हम सब कुछ कार्य कर दिया, हमारे लिए कुछ भी बन नहीं है, मांगो बाकी नहीं, क्योंकि तुम शत्रु की महिषासुर को मार डाला है। तुम पर यदि कोई वर देना चाहते हैं तो बस वर दो, जब जब आपका स्मरण करे तब तब आप हमारी विपत्तियां हर करना दर्शन दिया। हे दुर्गे अंबिका, जो तुम्हारे स्तुति तुम बीत स्मृति को विभक्त देने के साथ धन स्त्री संपत्ति बढ़ाओ के साथ महर्षि बल, हे राजन देवताओं जब जगत के लिए अपने प्रकार प्रश्न किया तथा स्तुति कह देवी अंत ध्यान दे। जिस प्रकार तीनों लोक में हित चाहने वाला वह भगवक्ति देवताओं के शरीर में उत्पन्न है, वह सारा वृतांत में तुमसे कह दिया, इसके पश्चात दुष्ट असुर शुभ निशुभ वध कर दिया। लोक की रक्षा जिस प्रकार गौरी देवी शरीर की रक्षा उत्पन्न है, सारा वृतांत ये यथावत वर्णन करता है। एक बार बोले देवी दुर्गा मैया की जय। बोले
शक्ति की जय, आदि भवानी की जय, दुर्गा मैया की जय। आइए अब हम लोग शरीर भजन